नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय के जो आप पीछे दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य है महाराजा हरि सिंह पार्क के, जहां पर JKPSI के एस्पिरेंट्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। और वहां पर इसी चीज को लेकर आज जो है महाराजा हरि सिंह पार्क में JKPSI के स्टूडेंट्स द्वारा एक प्रोटेस्ट, एक प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से कि किस तरह से JKPSI के स्टूडेंट्स जो रिजल्ट्स की डिमांड कर रहे हैं। जैसे JKPSI और JEE सिविल के जो रिजल्ट्स हैं वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, उसको लेकर यहां पर जो है लगातार प्रदर्शन करते हुए ये स्टूडेंट्स आपको यहां पर देखने को नजर आ। और जिस तरह से पूछने की कोशिश की, क्या कुछ कहना मैम? हम यही कहना चाहते हैं कि दो ढाई साल हो गए हमें मेहनत करते हुए, एक सिंगल रिक्रूटमेंट JKPSI के लिए ढाई साल हो गए हमें पढ़ते हुए। मैं LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से सीधी बात पूछना चाहता हूँ, क्या ढाई साल कम है एक पोस्ट क्लियर करने के लिए, एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट कराने के लिए ढाई साल कम है आपके? ढाई साल में कितने दिन होते हैं? दो बार आपने एग्जाम ले लिया, पहले बार भी एग्जाम आपने लिया JKUT एडमिनिस्ट्रेशन अंडर JKSSB ने एग्जाम कंडक्ट कराया और आपने ऐसे एग्जाम स्क्रैप कर दिया, क्या वो आपकी गलती नहीं थी? उसमें धांधली हुई, कुछ भी हुआ, वो किसकी गलती थी? क्या हमारी गलती थी? हमने मेहनत की, हमने अपना काम किया, हमारी गलती तो नहीं थी कि जो आपने एग्जाम स्क्रैप किया उसमें धांधली हुई, वो आपकी गलती की वजह से हुई? आपने अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया इसलिए उस एग्जाम में धांधली हुई, लेकिन आपने किस पे डाल दिया? बच्चों पे डाल दिया, आपने एग्जाम स्क्रैप कर दिया। हमने फिर भी अपने दिल को दिलासा दिया कि हम नहीं चाहते कि कोई भी गलत लोग गलत तरीके से वैकेंसी लें, जॉब लें, इसलिए हमने अपने दिल को दिलासा दिया, हमने फिर से तैयारी की। दिसंबर में एग्जाम हुआ, लास्ट दिसंबर में, नेक्स्ट दिसंबर आने वाला है, फिर से एक साल होने वाला है, अभी तक ये रिजल्ट नहीं आया है। बताओ हम कहाँ जाएं, क्या करें हम? एक सिंगल, मैं कह रहा हूँ दो साल कम नहीं होते एक सिंगल वैकेंसी को क्लियर करने के लिए। ये क्या ब्यूरोक्रेसी चल रही है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं LG सरकार? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। भाई अगर आप एक वैकेंसी नहीं क्लियर कर सकते दो सालों में, क्या कर रहे हो आप? भाई चले जाओ छोड़ के यार यहां से, हमें हमारे हवाले छोड़ दो, हम दिहाड़ी लगा लेंगे। आप बच्चों को रिक्रूटमेंट निकाल देते हो, वैकेंसी निकाल देते हो, दो दो साल बच्चे पढ़ते रहते हैं, आपसे पेपर नहीं करवाए जाते, आप एक कभी कोर्ट में केस लटकवा देते हो। अभी आपने खुद केस जीता है, खुद आपने डिफेंड किया है अपटेक को, अब आप कह रहे हो कि हमें चेकिंग करवानी है। भाई आप खुद पेपर लेके खुद ही चेकिंग करवाए जा रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता कि हमने किस तरीके से पेपर लिया है। आपसे भी जानना चाहेंगे, लगभग एक साल हो चुका है आपको इंतजार करते हुए रिजल्ट का, क्या लगता है क्या ऐसे कारण है जो अभी तक रिजल्ट को जो है लाया नहीं गया बाहर? मैम एक तो पॉलिटिकल विल की कमी हो सकती है या फिर पॉलिटिकल टाइमिंग ढूंढी जा रही है। अब पॉलिटिकल टाइमिंग ढूंढने का मतलब तो समझ नहीं आता। 18.3% की अनएम्प्लॉयबिलिटी है इस टाइम JNK में, गवर्नमेंट किस चीज का वेट कर रही है वो समझ नहीं आता। ब्यूरोक्रेटिक एनार्की की लिमिट आपको ये बताई जाए, 20 दिन का टाइम दिया था हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सर को रिक्रूटमेंट को मूव अहेड करने के लिए, वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया, आज 60 दिन होने को आ गए हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स, स्पेसिफिकली हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 16 विच इंश्योर्स इक्विटेबल इंप्लॉयबिलिटी, वो हैम्पर किया जा रहा है। एपटेक के कंडक्ट किए हुए हर एक एग्जाम, और ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है, एपटेक के कंडक्ट किए हुए हर एक एग्जाम एक्सेप्ट फॉर JKPSI और JEE, उसका रिजल्ट नहीं आया है। बाकी हर एक एग्जाम की प्रोविजनल लिस्ट आई और कुछ केसेस में बच्चे ज्वाइन भी कर चुके हैं डिपार्टमेंट। जिस कमेटी के ऊपर चीफ सेक्रेटरी सर को डिसीजन लेना है उसका मैंडेट पॉइंट नंबर 64 और 65 ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट में क्लियरली मेंशनड है। मैंडेट बोर्ड का सिंपली, मैंडेट कमेटी का बोर्ड की फंक्शनिंग के ऊपर है, प्लस जो टेंडर अवार्ड किया गया था उसके ऊपर है, ना कि स्पेसिफिकली JKPSI और JEE के ऊपर। तो जब ना आपका मैंडेट है JKPSI और JEE को लेके, ना आप कोर्ट में अगेंस्ट बोले हो JKPSI और JEE को लेके, पॉइंट नंबर 23 में गवर्नमेंट ने 7 स्टेप में डिफेंड किया है सिक्योरिटी अपरेटस को फॉर द एग्जाम प्रोसेस ऑफ JKPSI एंड JEE, कोर्ट में गवर्नमेंट जो है वो गारंटी ले रही है कि हमने एग्जाम को एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट किया है। ना कमेटी का मैंडेट है, ना गवर्नमेंट ने अगेंस्ट कुछ बोला रिक्रूटमेंट के, बल्कि डिफेंड किया रिक्रूटमेंट को। तो फिर क्यों JKPSI और JEE का रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है, ये समझ नहीं आता, जबकि हर एक एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। आपसे भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर आप साफ तौर पर डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है JKPSI और JEE का रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाए। एक साल हो चुका है लगभग, क्यों लगता है कि क्या वजह है जो रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, और क्या लगता है कि आने वाले कब तक समय में जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा? मैम एक्चुअली एक साल नहीं, अब तो दो साल से ऊपर होने को आया है।
बट एक्चुअली जब हमें हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था तब लगा था कि शायद क्योंकि हाई कोर्ट की जो भी डिसीजन होगा गवर्नमेंट उसको मानेगी, बट गवर्नमेंट ने उसको माना नहीं। अब 60 डेज हो गए मैम, पहले हम स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि हम लोग 20 डेज में निकालेंगे, 20 का 30 हुआ, 30 का 40, अब 60 में चला गया, मगर अब ऐसा है कि अब उम्मीद भी नहीं रही, अब लग रहा है कि पहले की तरह फिर से ये लोग मतलब टाइम लगाएंगे, डिले करेंगे, और रीज़न क्या डिले का ये पता नहीं है। अगर इससे अच्छा अगर हमारे जो चीफ सेक्रेटरी सर है अगर वो इतना ही बताते ना हमें रीज़न क्या डिले का, वो भी नहीं बताते मैम, इतना इन्होंने हमें फंसा के रखा। दूसरे एग्जाम में मेन मेजर एग्जाम्स कैलेंडर वो भी नहीं निकाले, और ना हमारे हमें तो रिजल्ट से मतलब था मैम। इन्होंने बोला था एग्ज़ाम दो, जिसका क्लियर होगा वो जॉब पाएगा, जिसका क्लियर नहीं होगा वो था पहले प्रोसेस, बट अब वो प्रोसेस रहा नहीं है। पहले एग्जाम दो, एग्जाम के बाद उसके बाद आपको डिफेंड करना है जो एग्जाम आपने दिया है कोर्ट में। गवर्नमेंट ने वो पूरे अपने अटमोस्ट विल से उसको डिफेंड किया था, तब बोला था कि हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते जितनी हमने सिक्योरिटी लेयर सब कुछ बताया, बट उसके बाद जब कोर्ट से वो गवर्नमेंट को कोर्ट ने बोला कि आप लोग इस पर डिसीजन लीजिए फाइनल आपके किससे होगा, बट उसके बाद शांति होगी, उन्होंने कुछ किया ही नहीं दो महीने मतलब। बस यही है हमारा, आखिर में यही कहना चाहेंगे कि अगर रिजल्ट गवर्नमेंट नहीं निकालना चाहती तो फिर वो भी बता दे, अगर निकालना है तो वो भी बता दे, और डिले हमें नहीं चाहिए। तो देश का भविष्य कहे जाने वाले ये यूथ आज सड़कों पर है, आज डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो इनके रिजल्ट हैं उन्हें डिक्लेयर किया जाए, ताकि इन्हें पता चले कि हाँ हम गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं। JKPSI और JEE के स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लगभग 2 साल हो चुके हैं इनके रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं हुए। इन्हें कहा गया था कि 20 दिन में जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, 20 के 60 दिन कब हो गए पता भी नहीं चला। अब इनका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होता है और क्या रिजल्ट में आगे की चुनौतियां रहेंगी, ये सब तो वक्त ही बताएगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रही है ग्रेटर जम्मू के साथ, कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।